डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अब सवाल ये उठ रहा है, कहा यह जा रहा है कि सनातनी है हम, संवाद पर यकीन रखते हैं, लेकिन आप विवाद पर यकीन रखते हैं। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आशुतोष जी ने यह बात कही कि ये लोग अगर चलेंगे तो पैदल दिखता है। आशुतोष जी, आपकी पार्टी के तो चश्मे के दोनों उसके ऊपर एक पे M, एक पे Y दिखता है और आप कहते हैं पूरा भारत दिखता है। आप तो उस पार्टी के हैं जिसके नेता ने एलानिया कहा कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, मरवा दिए थे शब्द कहा और हिंदू कहा। इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता हूं? मतलब पहले कम्युनिटी को मरवाने की बात कही और उसके लिए किसके लिए कहा कि दूसरी कम्युनिटी के लिए। अब इससे ज्यादा तो देश को जोड़ने का अद्भुत दृश्य दिखता नहीं है। आपके एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्ग जो कहते हैं तालिबान मेरे दिल में है, तो एक है केटी हसन जो ये कहते हैं कि लड़कियों की एज 21 साल कर दी जाएगी तो तुम लोग 4 शादियां नहीं कर पाओगे, और आपके जो सबसे अजीम शख्सियत है जनाब अखिलेश जी, तो वो तो जिन्ना की गांधी और पटेल से तुलना कर सकते। छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ ये बता रहे हैं ना कि कितना आपको भारत दिखता है, वो मैंने बताया। और एक भी चीज के लिए आज तक माफी मांगना तो छोड़िए, बयान विड्रॉ तक नहीं किया। जब इस बयानों पर अखिलेश जी से सवाल पूछा गया तो जानते क्या बोले? मीडिया पे दोष बढ़ने लगे। अरे शफीकुर रहमान बर्ग साहब बुजुर्ग आदमी है, आप लोग मीडिया वाले उन पर बार बार पहुंच जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। खैर वो छोड़िए, कोई बात नहीं। अब मैं आलोक जी की बात का जवाब देता हूं। देखिए, यहां पे कोई एंटी क्रिश्चियन वाली बात नहीं है। जिस केरल से राहुल गांधी जी होके गुजरे हैं, इसी केरल में तो पादरी फादर जोसेफ भी थे जिनका हाथ काट दिया गया था इसलिए कि कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों को उनके द्वारा पूछा गया सवाल बुरा लगा था। एक बार उनके घर भी चले जाते। और जहां तक मोदी सरकार की बात, याद करिए अफगानिस्तान में एक पादरी फंस गए थे, सरकार ने पूरा जुगत करके उनको वापस भारत में लाए। मैं पूछना चाहता हूं, कोलंबो में चर्चों में ब्लास्ट हुए, हम लोगों ने कहा कि यह बहुत गलत है कट्टरपंथियों का, एक वाक्य बताइएगा किसी कांग्रेस के नेता ने कहा हो। तो मैं ये कह रहा हूं केरल के उस पादरी के घर पे भी तो चले जाते जिसके हाथ काटे गए थे, कभी उससे भी पूछ लेते, उससे मतलब नहीं है। और जहां तक क्रिश्चियन की बात है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक ही स्टेट भारत में ऐसा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वो कौन है? गोवा, जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, 40 में 18 टिकट दिए थे हम दोनों क्रिश्चियंस को। इसका मतलब यहां पर किसी समुदाय की बात नहीं है। हमें यह नहीं समझ में आता कि मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, आपको हर जगह कट्टरपंथी कैसे ढूंढ लेते हैं। गजब की अन्वेषक दृष्टि है आपकी, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव इंसाइट है आपके अंदर कि आप ढूंढ लेते हैं। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जब अटल जी की सरकार थी और पोखरण विस्फोट हुआ था, CIA को पहली बार ऐसा हुआ पता नहीं लग पाया भारत में विस्फोट कब किया, पर अटल जी के अलावा दो ही लोग थे जिनको पता था, एक हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये दोनों, नाम नहीं लेना चाहिए बड़े व्यक्तियों के, पर दोनों दो समुदाय का प्रतीक है। मगर अफसोस किन समुदायों में भी आपको कभी अच्छे लोगों के साथ नहीं जुड़ते। आप यहां पर ये जॉर्ज पुनैया के साथ जुड़े हैं तो कहीं जाकिर नायक आपको शांति का मसीहा नजर आता है, तो अफजल हालात का मारा नजर आता है, तो याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग नजर आती है, इशरत जहां बेटी नजर आती है, और जाने क्या क्या हाफिज में साहब ओसामा में जी नजर आने लगता है। यह मैं समझ नहीं पाता हूं कि आपका ऐसा क्या चुंबकत्व तो है कि राष्ट्र को तोड़ने वाले व्यक्तियों को आप हर समुदाय में ढूंढ ही लेते। ठीक है, आलू से सीधा सवाल है उनका, पादरी से दिक्कत नहीं है, व्यक्तित्व से दिक्कत है, जिस व्यक्ति का विवादों से नाता रहे उससे दिक्कत है, और वही कैसे मिल जाते हैं राहुल गांधी को? ये मुझे लगता है इनको दिक्कत एक ही चीज से है, और वो दिक्कत कांग्रेस से है, और दिक्कत गांधी फैमिली से है, और वो अब भारत जोड़ो यात्रा में परिवर्तित हो गई कि देश जुड़ जाएगा, अगर देश में सच्चाई लोगों तक पहुंच जाएगी तो ये बेनकाब हो जाएंगे। ये लोग कट्टरपंथ की बात करते हैं, बीजेपी के लोग, मुझे तो उदाहरण देने की आवश्यकता भी नहीं, अभी मैंने इतने उदाहरण दिए, सारे के सारे मंत्रिमंडल में भर्ती हैं और जिस जिस तरह के उनके वक्तव्य आए हैं। अगर जाकिर नायक गलत था तो भाई उसको बंद करो ना, उसको बुलाओ ना, प्रत्यर्पण संधि है, उसको लाकर जेल में डालो ना, किसने मना किया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर ऐसा काम होगा तो मुसलमान नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है वोट की राजनीति, वोट बैंक। वोट बैंक जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो कहेंगे साहब ये बहुत बाप बेटी बहुत बुरे आदमी है, फिर उनके साथ सरकार बना लेंगे, फिर उन्हीं अलगाववादियों को यहां पर दिल्ली में बुलाकर शॉल उड़ाएंगे मोदी साहब, क्योंकि ध्यान भटकाना होता है।
वोट मांगनी होगी तो कश्मीरी पंडितों का विषय आ जाएगा, उसके बाद उनका राशन भी बंद कर दिया जाएगा। जब आसाम में जाएंगे तो तमाम बोडो से संबंधित जो पुराने लोग हैं उनके साथ टाइप होगा। त्रिपुरा में तीन दल ऐसे होंगे जो अलगाववादी होंगे, अलग देश बनाने की बात करेंगे उनके साथ। आलोक जी माफी के साथ रोक रहा हूं, टोक रहा हूं आपको, लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। सवाल का जवाब नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि पादरी तो और भी थे लेकिन उनके पास नहीं गए, राहुल गांधी को यही कैसे मिले? आखिर इन्हीं के पास कैसे जो है राहुल गांधी क्यों गए? और उनके बयान तो मैंने बताया आपको क्या क्या कहा है उन्होंने पहले। मुझे नहीं लग, देखिए मैं आता हूं कल से पहले किसी को बयान नहीं पता थे, ना मोदी जी को पता थे, ना हमें पता थे, ना राहुल जी को पता थे, ना सुधांशु भाई को पता थे, ना हम पांचों में से कोई भी पैनल में से इस पादरी को जानता था कोई, बताइए कोई भी जानता हो? ये जबरदस्ती बालू में से तेल निकालने का जो काम है ना बीजेपी का, ये गलत है। क्या राहुल जी को पता था कि इसने भारत माता के लिए ऐसे कहा? अरे भाई भारत माता जिसको बीजेपी मानती है एक फोटो लगा के, और मैं तो उस फोटो को नहीं मानता भारत माता, मैं तो कहता हूं भारत माता यहां की जनता है, भारत माता यहां का गरीब और गुरबा है, भारत माता यहां की वायु है, भारत माता यहां के दलित हैं, भारत माता यहां का हर इंसान है। पंडित नेहरू का अगर भारत माता का आप परिभाषा देखेंगे तो बीजेपी से बिल्कुल भिन्न है। ये तो केवल हर चीज का राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि भारत माता का ये फोटो क्यों लगा रहे हैं आप, और भारत माता केवल ये फोटो में ही है विराजमान है। मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों पर विवाद करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू हो उसके लिए तो लॉ कमीशन मना कर रहा है इनका कि उसकी तो जरूरत ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है, मैं तो पूछ रहा हूं भाई गुजरात में क्यों नहीं है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड? ठीक है, तो 8 साल के करीब आपको यूपी में हो गए, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं है? क्योंकि केवल वोट की राजनीति करनी है, हिंदू मुसलमान करना है, गोली मारो वालों को मंत्री बनाना है, यही तो इनकी परिपाटी। आलोक जी आपकी बात आ गई है, गरीबी को कैसे दूर करेंगे? अब आपका जवाब, तस्वीर में भारत माता है नहीं मानते हैं, उनको नहीं पता था कि जिनसे वो मिल रहे हैं उनका ऐसा इतिहास रहा है, उनके ऐसे बयान रहे हैं, ऐसा हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे बीजेपी के नेताओं से भी मिलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आदमी उससे मुंह मोड़ ले या उसको ना सुने या उसके पहली बात ना देखे। जी हाँ, पहली बात तो मैं कहूंगा थोड़ा विचित्र सा उत्तर दिया है कांग्रेस की मानसिकता से प्रभावित होकर आलोक जी ने कि भारत माता को नहीं देखते वो तो फोटो में कैसे हो सकती है। आलोक जी शायद आप भूल गए, जो वर्तमान फोटो है ना भारत माता की, ये सबसे पहले किसने स्थापित की थी? श्री अरविंदो ने, महर्षि अरविंद, और वो उस समय कांग्रेस के सदस्य थे, भूल गए आप शायद। उन्होंने ही भारत माता के इस स्वरूप का प्रतिपादन किया था, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए विवेकानंद को आप नहीं मानते, मैंने श्री अरविंद का उदाहरण इसलिए दिया कि वो कांग्रेस के ही सदस्य थे, और सूरत में जो कांग्रेस का डिवीजन हुआ नर्म दल और गरम दल भी कांग्रेस के गरम दल के नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री हो गई। कांग्रेस अपनी विरासत नहीं, पंडित नेहरू ने भी भारत माता की परिभाषा बीजेपी को सीखनी चाहिए। नहीं, मैं अब आपसे बात, आपने चित्र की बात कही, परिभाषा की बात, परिभाषा को बता दे रहा हूं। उत्तरम यद समुद्र से दक्षिण से हिमाद्री, वर्षम यद भारत राम भारतीय से। आपकी परिभाषा अलग हो सकती है, मेरी परिभाषा अलग हो सकती है, उसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई मैं एक मुखी हनुमान जी को मानता हूँ, दूसरे आलोक जी आपकी बात आ गई थी, एक मुखी हनुमान जी बारे में आलोक जी ये सही तरीके से ना भाई, मैंने तो सिर्फ इतना याद दिलाया। अरे भाई आपके साथ यही तो समस्या हो गई है मान्यवर, ये भारत माता का स्वरूप सन 1900 के आसपास श्री अरविंदो ने दिया। वंदे मातरम 1895 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी ने की। आजाद आज आपको वंदे मातरम भी खटकता है और भारत माता का स्वरूप भी खटकता है, ये तो आपकी नजर अलग है। अब मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी अब मैं मिले उनके चार बार परिवर्तन के बाद भी मैं नहीं मानता उसको, मैं तो पंडित नेहरू की भारत माता की परिभाषा को मानता हूं, उसमें दिक्कत क्या है? विवाद कहां है इसमें? विवाद आप लोग जबरदस्ती खड़ा करना चाहते हैं। आलोक जी आपकी बात आ गई, भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल। सुधांशु त्रिवेदी जी 20 सेकंड आपके पास, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। सवाल यह है कि राहुल गांधी को नहीं पता था कि उनका विवादों से ऐसा नाता रहा है। आलोक शर्मा जी प्लीज, मेरे बारे में इतना डिस्टर्ब करेंगे राजीव जी, फिर आप कहेंगे 20 सेकंड से भरा हुआ है, पंडित लोग यहाँ पर भारत माता बहुत पहले दीजिए ना, उनका तो पता है ना, ऑन रिकॉर्ड है ना। अब जब अनकंफर्टेबल फैक्ट आने लगते हैं तो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अनकंफर्टेबल नहीं है, मैं बहुत सटीक बात करना कर रहा शुरू कर दिया जैसे अनकंफर्टेबल फैक्ट। मैं एक भारत माता की परिभाषा को नहीं मानता, आप मानते हैं, क्या करें उसमें हम?
बताइए ना। तो मैंने कब कहा? मैंने बस सिर्फ ये कहा जिस परिभाषा को ऐसे ऐसे तो चर्चा हो नहीं पाएगी, ऐसे किसी एक की बात आएगी। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे, आलोक जी अगर आप ऐसे दूसरी साथ बोलेंगे तो ये तो सही तरीका नहीं। आप बात किसी की भी नहीं आ पाएगी। मैं अब माफी के साथ आप दोनों को अभी रोक रहा हूं। मैं अब डॉक्टर आशुतोष के पास जाऊंगा। डॉक्टर आशुतोष, जब पादरी कहेंगे कि नॉट लाइक शक्ति, तो फिर उसको डिफेंड कैसे करेंगे? नहीं, कोई डिफेंड नहीं करने जा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या ढूंढ रही है? राहुल गांधी कौन सी शर्ट पहन के गए? नहीं, आप भी तो ढूंढ रहे हैं, आप भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि जो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और हर विपक्ष का खेमा अपने जगह तैयारी कर रहा है। अब इनके पास कोई और नजारा नहीं है तो लोगों के अंदर कमियां लेना और किसी तरीके से कम्युनलाइजेशन करना है, और कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अब वो समय चला गया है। कितना आप हिंदू मुस्लिम करोगे, तो कौन किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? अरे भाई, जब राहुल गांधी से आपको परेशानी नहीं है, आपको लगता है राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है तो अपने पड़ाव तक वो पहुंचेगी। लेकिन मसला जो है वो पादरी के बयान से है। पादरी ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कही, उससे जुड़ा हुआ है। आप अपनी बात तब रखिएगा, मैं एक बार सुना देता हूँ। सर, मैं एक बार सुना देता हूँ कि पादरी ने शब्द से क्या कहा था, उसके बाद आपका रिएक्शन लूंगा। It's a real God. It's a real God. Has it been revealed? God revealed him as a man, human person. Not like Shakti or this power. So we see in this human person, born like a man, born in this world. सुना है अपने आशुतोष जी कि अब वो असली भगवान है और नॉट लाइक शक्ति, शक्ति के जैसे नहीं। अब बताइए राजीव जी, अब मेरी बात सुनिए। कोई हिंदू है वो राम को भगवान मानता है, भगवान शंकर को भगवान मानता है। कोई मुस्लिम है वो अपना अल्लाह को मानता है, कोई क्रिश्चियन है अपना, क्या उसके कहने माने? लेकिन आप कंपैरिजन थोड़ी करते हैं मेरी। फिर वही बात, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। अरे कभी सुधांशु जी के बीच में बोल के देखिए भाई, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सुधांशु भाई क्या मानते हैं? मेरा कहना ये है, मां शक्ति को जीसस के बराबर मानते हैं या ना? गजब है भाई। क्या भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर रही है कौन किसे? कहा क्या मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? आलोक शर्मा जी कह रहे हैं सवाल मुझसे बोला गया है, मुझसे सवाल पूछा गया है, मुझसे जवाब पूछ लीजिए भाई। ये तो अजब आप लोगों ने लगा रखा है कि जो सुधांशु जी पूछेंगे वो मैं बोलूंगा और जो मैं बोलूंगा। सुधांशु जी नहीं बोले हैं बीच में, आप अपनी बात रखिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझिए। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को जब ये कहने में संकोच नहीं कि राहुल गांधी अगर जब तक रहते हैं तब तक हम लोग जीतते रहेंगे। अरे तो राहुल गांधी जी ने अगर मान लो अपनी यात्रा बढ़ाई तो आपको कल से परसों से क्यों परेशानी हो रही है? कोई कह रहा फलाना कपड़ा पहन रहा है, कोई कह रहा भारत नहीं परिवार जोड़ो। अरे पूरा देश में प्रधानमंत्री मोदी से लेके अमित शाह तक दिन भर राहुल गांधी का क्यों माला जप रहे हैं? अपना काम कीजिए, देश चलाइए। वो इससे मिलना है, वो किससे मिल रहे हैं? आप किससे मिल रहे हो? आपकी पार्टी में क्या होता है आप नहीं जानते क्या? इस देश में जितने गंदे स्टेटमेंट हो सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में वो जो है सम्मान का पात्र होते हैं। अभी रेपिस्ट निकल के आते हैं तो उनको सम्मान के पात्र दिया जाता है, उनको मंत्री बनाया जाता है, उनको बड़ी बड़े पदों पर दिया जाता है। जो दूसरे धर्मों को गाली दे जाके उनको बड़ा बड़ा सम्मान मिलता है, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है? तो ये हमारी पद्धति नहीं है। हम इस देश के हैं, इस देश में अगर इस तरह के कोई भी काम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु जी जाके यात्रा करे, मैं उसका स्वागत करता हूं। एक राजनेता को अगर लोगों के बीच मिलने में कोई परेशानी है और कोई इस पर उंगली उठाता है वो देशद्रोही है। अपने लोगों से मिलने से क्या परेशानी है? वो कौन किससे मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है?